एवरीवन, सभी को राधे राधे। मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए, पर 12 नहीं बजे हैं, बज रहे हैं सुबह के 7:08। मैं उठ गई थी करीब आज 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, और उठने के साथ में ही मैंने नीचे की साफ सफाई करी पूरी। आई जब मैं तो मैंने छोला रखा और बनने के लिए, फिर साथ में ही झाड़ू पोछा इत्यादि किया, नहाई धोई, पूजा पाठ करी। अब नीचे आई हूँ तो अब फटाफट सारी तैयारी करना शुरू करती हूँ। तो प्रिया आलू उबला हुआ रखा है, छोला उबाल दिया, चना उबाल दिया। आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी के दिन जो मेनली भोग लगता है वो लगता है हमारा चने का, ठीक है। तो अभी सबसे पहले एक ही कढ़ाई चढ़ा करके फटाफट सारे काम करना है। अपने पास ज्यादा टाइम वाइम तो है नहीं, तो चलिए बी रेडी, और सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी धुल करके, और इसका पानी जैसे हल्का सा, सपोज मान लो कहीं अगर प्रसाद हुआ तो उसके लिए लाइट भी चली गई है, अरे यार बड़ा दिक्कत हो जाता है। छोले में खाली टमाटर पड़ना है, लाइट चली गई। कुकर की हालत दिखाओ, तो कुकर में एक साथ चना और काबुली चना मैंने रख दिया था उबलने के लिए, और अच्छे से उबल गया है, थैंक गॉड। सेवैया अच्छे से भुन चुकी हैं, और दूसरी तरफ ये आप देखो दूध चढ़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम काम है मेरा इन सेवैयों को उठा करके दूध में ट्रांसफर कर देती हूँ। ये काम होता है खतरों के खिलाड़ी, मेरे सबसे टफ काम यही है। ओ, शीर खोरमा बनने की तैयारी, इसी नागपंचमी के दिन बनता है ना हमारे तरफ। काम मेरे पास ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि आटा मढ़ा रखा हुआ है, सब कुछ कटा पिटा रखा हुआ है। ऐसा लाइटर भी ना कि खतरों के खिलाड़ी, यही होता है, पता है मुझे। चलो और फटाफट मैं से छौंक लूंगी चना, और तब तक उधर खीर अपनी पक रही है, मेवा वेवा डाल के तैयार कर ही लूंगी। तेल में जाएगी हल्की सी जीरी, मिर्च और छाई डाल रही हूँ मैं। तेल में ये हमारा उबला हुआ चना है वो रहेगा। थोड़ा सा गरम मसाला डालना चाहो तो डाल दो, वैसे सच में मैंडेटरी नहीं है, डाल देती हूँ मैं। ये ऐसा उबला हुआ भुना हुआ चना इस माय जान टाइप, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब इसमें जाएगा ऑल टाइम फेवरेट घर का बना मसाला, दैट इज बुकनू। खाने में चार चांद लगा दे। चलो ये हो गया, तेल को गरम होने देते हैं।
इसमें एक मिर्चा डाल सकती हूँ मैं, सिर्फ एक। लाइट आ गई है, और इधर खीर अपना पक रही है। पको तुम। अभी मैं अजवाइन का तड़का पड़ता है, अभी जब तक ये हो रहा है ना, थोड़ा सा इसमें हींग डालती हूँ। और अब पकाक से इसमें पड़ जाएगी घुइया, दैट इज कॉल्ड अरबी घुइया, बंडा, बोड़ा, वॉट एवर, प्यार से जो भी चाहो तुम बुला लो। समय हो रहा है 9:45, मेरे पास अभी टाइम है। ऐसा नहीं कि स्कूल पहुंचना है या क्या करना है, बट फिर भी अपना टाइमली आओ जाओ, टाइमली चीजें फिनिश हो जाती है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हल्दी कढ़ाई में लगी हुई थी, उसका इम्पैक्ट आ ही गया है। तेज आंच पे करूं जिससे करारी करारी हो जाएगी। ये खाली होगी, फटाफट डाल दूंगी मैं, ये बुक में गया इसमें भी। थोड़ी सी कटी हुई देनी है, ये हो ही। तब तक मैं बना लेती हूँ अपने छोले का मसाला। और ये खीर को देखिए आप, उबाल मार रहा है बहुत ज्यादा, तो जितना जल्दी उबाल मारेगा उतना जल्दी हो जाएगा। इधर छोले के मसाले के लिए इसमें जाएगा एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक और 2-3 हरी मिर्च। किसी भी खाने का कलर अच्छा लाना है तो तेल में डाल दो हल्दी, एंड साथ में डाल दो लाल मिर्च, कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब बाकी पिसा हुआ मसाला, प्यूरी हमारे पास सही है। इस मसाले को तेल छोड़ने तक पकाना है। नमक भी डाल देती हूँ मैं, बेसी ऊपर से चला जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ गरम मसाला। और ये किचन किंग मसाला, बाकी किसी और मसाले की आवश्यकता नहीं है। इसमें जाएंगे हमारे उबले हुए काबुली चने, काबुली चने के साथ में मसालों को भूनते हैं।
उसे बस पानी डाल के ही पकाना है। मेरा कार धनिया की पत्ती डाल दी है मैंने छोले में। बस अब इसके नीचे गैस बंद करके तो फटाफट मैंने सारा काम खत्म किया, सब कुछ हुआ। और राहुल अभी आई एम रेडी, साड़ी वाड़ी पहन के मैं तैयार हूँ और मैं निकल रही हूँ मंदिर। तो वहाँ का मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे मुझे मौका मिलेगा वीडियो वगैरह शूट करने का नहीं। तो ठीक है, जैसा भी होता है मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरी तरह तैयार खड़ी हुई हूँ, ठीक है। मेरे पति का स्कूटी पहले दान कर देंगे, अब गए स्कूटी लाने के लिए, 5 मिनट हो गया। यही सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा गुस्सा करती। गाड़ी से चलेंगे, अरे जस्ट बगल में मंदिर है भाई, हम गाड़ी से क्यों जाएंगे? गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है वहाँ पे, अब खड़े रहो, वेट करो। ये नहीं कि फटाफट जाए पूजा पाठ अपना कराएं, फिर आपके पास आप भी फ्री, हम भी फ्री। एक दिन पूजा करनी होती है पूरे साल में, एक दिन रुद्राभिषेक कराना होता है, उसमें भी जल्दी नहीं उठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जबकि मैं सुबह से उठ के फटाफट सारी चीज़ें करने में लगी हुई हूँ। देखो लेकर आए गाड़ी बाबू साहब, तब पहुँचे वहाँ पे हम। यजामहे सुगन्धिं मुष्टिप्रदानं उद्वारुकमिव वन्दनाद्मृत्योर्मे समर्पयामि हरेः। ॐ नमस्तान्ते आत्मलहन्ते समर्पयामि के धुनो नमः वन साम शिवाय नमो नमः वन साम शिवाय नमो नमः हरेः नमस्तान्ते आत्मलहन्ते समर्पयामि के धुनो नमः हरेः ॐ नमः हरेः ॐ नमः सर्वोपचारार्थे वन्दं समर्पयामि के धुनो लिंगाष्टकम्। अंडी की टीका लगा दे, बाहर से लगा दो। मैंने बोला था कि जब मैं पूजन के लिए जाऊंगी तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, और मैं यहाँ पे क्लास वगैरह करके आ चुकी हूँ। मैं मतलब गई थी कुछ चीज़ बनाने के लिए, फिर आई घर पे कुछ बनाया खाया, और अभी इतना टायर्ड हो चुकी हूँ, इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ कि एक ब्लॉग जो मैंने कल बनाया था उसकी मैंने एडिटिंग करी और अपलोड कर दिया है। अब दूसरे ब्लॉग की एडिटिंग मैं कल करूँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, होम्योपैथिक डॉक्टर जिनको मुझे दिखाना था अपने नाक के लिए, तो मैं उनके पास जाऊँगी। तो कल मुझे नहीं लगता कि कल मैं कोई भी ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ आओ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो अभी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय।